नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम खबरें। राजस्थान सरकार के विजन दस्तावेज 2030 के अनुसार एसपी झालावाड़ रिचा तोमर के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस 2030 में केसी हो इस संबंध में आम बुद्धिजीवियों से सुझाव हेतु व्यापार संगठन, उद्योग संगठन, नागरिक संगठन, भारत विकास परिषद, बार एसोसिएशन ऑफ एनजीओ से वह उपखंड अधिकारी राहुल मनोत्रा और डीवाईएसपी मनोज गुप्ता एवं थानाधिकारी मांगेलाल यादव द्वारा मीटिंग ली जानकर सभी संगठनों से सुझाव मांगे गए। इस संबंध में पुनः मीटिंग रखी गई और सुझाव प्राप्त कर पुलिस विभाग को भिजवाए। बेस्ट सुझाव को राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। वहीं पुलिस में भविष्य के अनुसार सुधार इसका उद्देश्य है। भवानी मंडी बालाजी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलईडी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा शंकर ठेकेदार और सभी युवा नेताओं ने मन की बात को लेकर मोदी जी का 9 वर्ष की कार्यकाल की जानकारी ली। पनवार कस्बे के पीतामपुरा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन हवन भंडारे के साथ समापन हुआ, जिसमें मन्ना दास वैष्णव, ब्रजराज वैष्णव, मुकेश वैष्णव, राजू वैष्णव, अनिल वैष्णव, लोकेश वैष्णव, जितेंद्र वैष्णव ने यज्ञ में आहुतियां इंद्रदेव को आह्वान किया और अच्छी बरसात की कामना की। वहीं रविवार को पंडित मुकुट बिहारी वैष्णव ने कहा कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मित्रता धन पद से नहीं मिलती, मित्रता समर प्रभाव सच्चे प्रेम की प्रकोष्ठ होती है जो गरीबी में विपत्ति के साथ देता है। वही सच्चा मित्र वह होता है जो श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा को गले लगाकर अपने बराबर बिठाकर सच्ची मित्रता का संदेश दिया था। पिलावा क्षेत्र के नारायण गांव में आज वर्षा की कामना को लेकर ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर इंद्रदेव को मनाने के लिए घास भेरू और देव नारायण भगवान की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें को सूखने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और नाराणा निवासी घनश्याम गुजर, सांवलिया गुजर, गिरधारी आदि ने बताया कि वर्षा की कामना को लेकर नाराणा के ग्रामीणों ने इंद्र देवता को मनाने के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में गाँव की महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। पिड़ाव में मालवी प्रजापति समाज के तत्वावधान में आयोजित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद आयोजित महाप्रसादी में जनसैलाब उमड़ पड़ा और प्रातःकाल नगर की हनुमान धर्मशाला से बैंडबाजों के साथ विशाल कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी और बैंड पर बजने वाले भजनों पर श्रद्धालु नृत्य करते हुए दिखाई दिए। कलश यात्रा नगर के वीडियो चौराहे, नयापुरा, आजाद चौक, बस स्टैंड, स्टेट बैंक तिराया, कोटड़ी तिराया होते हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर परिसर पहुंची, जहां प्रजापति समाज द्वारा महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के दूरदराज के इलाकों से हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। इससे पूर्व समाज की ओर से स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें पूर्व तहसीलदार लक्ष्मीनारायण प्रजापति, पन्नालाल प्रजापति, वैष्णव समाज अध्यक्ष दिलीप शर्मा, महेश भावसार, मान सिंह चौहान, जीवंदर जैन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, राकेश मीणा, आनंदपुरी आदि का माला पहनाकर सम्मान स्वागत किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देशानुसार दिनांक 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके सफल क्रियान्वयन और अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु डोर स्टेप प्री काउंसिलिंग का आयोजन तहसील मुख्यालय पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 27/8/2023 को अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला सेशन न्यायाधीश भवानी मंडी शिवचरण मीणा के मार्गदर्शन में तहसील कार्यालय सुनेल में प्री काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले में विकसित राजस्थान के लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य प्रीतर्ष के विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 हेतु सुझाव संकलित किए गए। 2030 तक चिकित्सा स्वास्थ्य महकमे का आधारभूत ढांचा और मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं, योजनाएं और सर्विस डिलीवरी जैसे मुद्दों पर स्वास्थ्य से संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कर रहे संकलन तैयार किया गया। रविवार को संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विजन 2030 अभियान के पुनीत उद्देश्यों और लक्ष्य पर सोच पर प्रकाश डाला गया। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की भव्य शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा और सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी से पहले रविवार को
शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू हुई वाहन रैली नगर के एक सैकड़ों महिलाएं पुरुष अपने अपने वाहनों पर साथ में शामिल हुए। अष्टमुखी भगवान पशुपति मंदिर से शुरू हुई वाहन रैली खानपुरा धान मंडी बस स्टैंड गांधी चौराहा महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए वापिस पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां वाहन रैली का समापन हुआ। मंदसौर जिले के गांव बहिष्णनाथ से 18 वर्ष पूर्व गुम हुए पंकज को जब अपना परिवार मिला तो सभी के खुशी के आंसू छलक पड़े और इसी खुशी से मुख्य योगदान मंदसौर की थाना वाईडी नगर पुलिस को रहा। नगर पुलिस ने बताया कि 18 वर्ष पहले 7 नवंबर 2005 को वही पशुनाथ गांव से पंकज पिता रंगलाल सूर्यवंशी नामक 15 साल का एक बालक ट्रक में बैठकर कहीं चला गया था। वाईडी नगर थाना पुलिस ने युवक को मंदसौर से दस्तियाब किया और पूछताछ कर परिवार वालों से मिलाया। पुलिस ने काफी मुश्किल से पूछताछ की और क्योंकि युवक बोलने और सुनने में विक्षिप्त था। रक्षाबंधन से दो दिन पहले परिवार वालों से मिलाया और परिवार में पंकज के 5 बहने हैं। पंकज के मिलने की खबर मिलते ही गांव और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। नोबल मॉडर्न उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानी मंडी। हमारे विद्यालय की विशेषताएं पर्याप्त रोशनी, हवादार कमरे, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद मनोरंजन के साधन, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, कठोर अनुशासन, सुरक्षा निगरानी हेतु CCTV। एक बार विद्यालय में पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय में बाल मेला, मनोरंजन साधन। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि विद्यालय परिवार महंगाई के कठिन समय में भी आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विद्यालय द्वारा इस वर्ष नए प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा LKG से दूसरे तक पुस्तकें व स्कूल बैग निःशुल्क दिया जाएगा। हमारे विद्यालय में इस वर्ष 8वीं व 5वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा है व हमारे अनुभवी अध्यापक द्वारा अध्यापन एवं कठोर अनुशासन का परिणाम है। पता: एकता नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रधानाध्यापक शरीफ मोहम्मद गुड्डू सर, जिनके मोबाइल नंबर हैं 9829334768। सरस्वती पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लासेस प्ले ग्रुप 2 क्लास। हमारी विशेषता है प्रत्येक क्लासरूम में LED ऑनलाइन क्लासेस, CCTV कैमरे, डिजिटल बोर्ड, प्रत्येक क्लासरूम में अनुभवी टीचर्स। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। एक विशेष विशेषता, LKG UKG फर्स्ट क्लास में न्यू एडमिशन लेते हैं तो स्कूल ड्रेस बुक्स निशुल्क दी जाएगी, लेकिन 6 माह की एडवांस फीस जमा करवानी होगी। हमारा पता है नाव सर्किल के सामने, रामनगर, भवानी मंडी। मदन लाल वर्मा डायरेक्टर, जिनका मोबाइल नंबर है 9214568320। फोन नंबर है 07433294666। Thank you.
प्रवेश प्रारंभ संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, लिंक रोड रामनगर, पुलिया टू बायपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इन क्वालिटी हेड ऑफिस, ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।